सबसे पहले तो मैं अपने सारे भोजपुरी समाजवासियों को अपना प्रणाम बोलूँगी, और ट्रेलर लॉन्चिंग है, बहुत खुशी की बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की लग रही है कि मैं बहुत बेहतरीन फिल्म का हिस्सा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट रोल हूँ। और आपने अभी ट्रेलर देखा तो आप लोग को मज़ा आया होगा, फिल्म देख के और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक एज एन ऑडियंस बोलूँगी, एज एन आर्टिस्ट नहीं, कि मुझे भी भोजपुरी की सारी फिल्मों से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बट ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ आपको देख के लगेगा नहीं, भोजपुरी बहुत आगे जा चुका है। मेरा किरदार एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा अलग करने को मिला है, डेडिकेशन, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें, अच्छा लगा करेक्टर को जी करके। मुझे लगता है कि अगर अच्छा कोई एक्टर हो तो आपको काम करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात चिंटू जी की, तो इस पावर बूस्टर जी, थैंक यू सो मच। इसके पीछे कुछ आपने मतलब तैयारी की थी इस किरदार को जीने के लिए? जी विशेष तैयारी, मेरी हीरो इसमें माधुरी जी की फ़ैन है, बट फिल्म में और मैं रियल लाइफ में उनकी फ़ैन हूँ, तो अगर मुझे कभी कोई करेक्टर करने को मिलता है तो एक बार मैं सोचती हूँ कि उनकी फिल्में देखूँ, जिस टाइप का उन्होंने करेक्टर किया है उनका अगर मैंने 10% भी कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिल्म बड़ी हो या छोटी, लेकिन हर आर्टिस्ट को अपनी हर फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो वैसे मुझे भी इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं और आई एम 100% श्योर कि ये कम्प्लीट होगा। हाँ जी, अपने आप को मैं खुशनसीब समझूंगी, फर्स्ट टाइम मैंने राजकुमार आर पांडे जी के म्यूज़िक में काम किया और उनके गानों पे थिरक करके बहुत मज़ा आया। रही बात अंजना जी की, तो अंजना जी के साथ मैंने अपनी पहली फिल्म की थी गर्दा, तो उनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और रानी जी के साथ भी मैंने 2-3 फिल्में की है, इस फिल्म में जब उनका गाना हो रहा था तब तो हम साथ नहीं थे, लेकिन मैं, तनु और चिंटू साथ में थे शूट के टाइम, और एज एन फ्रेंड, एज एन को एक्ट्रेस, हमने एज एन फैमिली वहाँ पे इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर सर तो यहाँ थे, यहाँ से सिर्फ पैसे भेज रहे थे, लेकिन हम A to Z जितनी टेक्नीशियन टीम है, स्पॉट बॉय से लेके, हर कोई वहाँ पे थे। और एक फिल्म में जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि ये सिर्फ हमारा काम है, ये हम सबका काम है, तो सब लोग एज एन फैमिली रहेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके सामने एक बहुत अच्छा परफॉर्मर हो तो आपको भी उतना ही अच्छा अंदर से लगता है कि आउटपुट बाहर निकलेगा, तो मुझे अच्छा लगा। अपने संजय पांडे जी हैं और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, फूलचंद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ एक लगता है ना कि सामने वाला 100 दे रहा है तो आपको एटलीस्ट 99.9% तो देना ही है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।